मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के पूर्व एमएलसी स्वर्गीय विनोद चौधरी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने उनके परिवार के लोगों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही नीतीश कुमार ने प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी से भी मुलाकात की। सीएम से हुई इस मुलाकात के बाद पुष्पम प्रिया ने कहा कि मेरे पिताजी से नीतीश कुमार के पारिवारिक संबंध थे, इसी नाते मुख्यमंत्री हमारे घर पहुंचे, लेकिन पारिवारिक संबंध अपनी जगह है। मैं आज भी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ हूं। सीएम तो जिस मौके पे आए थे उसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। पिताजी बहुत शुरू से राजनीति कर रहे थे, जब वो छात्र थे, यूनिवर्सिटी में थे तभी से कर रहे थे। पहले इंदिरा गांधी जी के साथ थे, फिर नीतीश कुमार जी ने अपनी नई पार्टी बनाई तो वो जुड़े क्योंकि उनके पिताजी जुड़े थे। लेकिन पहला जो जदयू का मिथिलांचल का सीट था वो मेरे पिताजी ही जीते थे। तो इन दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, बहुत लंबे वक्त तक साथ में थे, अंतिम वक्त तक वो जदयू में रहे, तो इसीलिए आए थे अपना शोक जताने। अभी भी उनके खिलाफ हैं, ये तो आपको मेरे हाव भाव के बारे में पूछना चाहिए। अभी भी खिलाफ हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। वहीं स्वर्गीय विनोद चौधरी के भाई और बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार का उनके पिताजी के समय से पारिवारिक संबंध है। नीतीश कुमार उनके घर रहकर कई बार राजनीतिक आंदोलन चलाया है। मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई पूर्व एमएलसी जनता दल यू के प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी के देहांत पर आज शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। वे सबसे पहले भाई जी के प्रारंभिक परिवार से जाकर के व्यक्त करके शोक व्यक्त किया और फिर वहां से आकर के वो इस जो इन जब प्रारंभिक संघर्ष के दरमियान मुख्यमंत्री जी इसी आवास में रह करके यहाँ पर आंदोलन किया करते थे, तो उन्होंने कहा था ये तो पीछे का मकान है ना, चलो। तो वो पीछे के मकान में कह के चलिए, वो आए यहाँ पर 5-7 मिनट बैठे और बाबू जी के साथ जो बिताए हुए क्षण थे उसके उन्होंने चर्चा किया, कहे कि उमा बाबू के साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जदयू के पूर्व एमएलसी डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी के निधन के बाद उनके परिवार के लोगों से मुलाकात किए और साथ ही उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित भी की। उसके बाद सीएम ने प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम ने दिवंगत नेता विनोद कुमार चौधरी को याद करते हुए उनके साथ किए गए कामों के बारे में चर्चा भी की।